दुनिया के कुछ देशों में खालिस्तानी आतंकी पिछले कुछ वक्त से ज्यादा ही उछल रहे थे, चाहे वो ब्रिटेन में भारतीय झंडा उतारने की कोशिश हो या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हिंदू विरोधी घटनाएं। हालांकि भारत ने हर मौके पर खालिस्तानी आतंकियों के लिए कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इस बीच एक महीने के अंदर दुनिया के तीन अलग अलग देशों में तीन खालिस्तानी आतंकियों की मौत ने खालिस्तानियों और उनके आकाओं को गहरी चोट दे दी है। बता दें कि सोमवार को कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम था और वह भारत में एक वांटेड खालिस्तानी आतंकी था। वही बीते सप्ताह लंदन में अवतार सिंह खांडा की मौत हो गई थी। खांडा की मौत की वजह बताई गई दिल का दौरा पड़ना। बता दें कि खांडा ने ही ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इसी दौरान तिरंगा हटाने की कोशिश हुई थी। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड खांडा ही था। इसके पहले 6 मई को पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मलिक सरदार सिंह की हत्या हो गई थी। परमजीत सिंह लाहौर स्थित अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी दो अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परमजीत सिंह पंजवार को भारत ने UAPA के तहत जुलाई 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। परमजीत ISI के इशारे पर पाकिस्तान से खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देता था। बता दें कि पिछले साल जून में ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी रिपु दमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपु दमन सिंह पर 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने का आरोप था। इस घटना में 329 लोगों की मौत हो गई थी। महीने भर के अंदर तीन कुख्यात खालिस्तानी आतंकियों की मौत संयोग है या प्रयोग, ये आने वाला समय ही बताएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।